दिया कोरोना रिपोर्ट, हम आपको बता रहे हैं हर शहर में हाल क्या है, स्थिति क्या है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गोपी कुमार कुणाल चंडीगढ़ से, सतेन चौहान है मुंबई से, मुस्तफा पूरी जानकारी देंगे, जयपुर का हाल भी हम आपको बताएंगे, पूरे राजस्थान में स्थिति क्या है वो भी बताएंगे शरद, और साथ ही साथ रवीश के पास भी चलेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हालात लगातार खराब होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर झारखंड से आपको दे देते हैं, जहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। नए मरीजों की तादाद 2800 रही और यहां से अस्पताल की ऐसी तस्वीर सामने आई कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या करें, क्या करें, क्या करें। झारखंड की राजधानी रांची में एक बेटी की ये चीख पुकार सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकी। सदर अस्पताल में तड़पते पिता को बचाने के लिए बेटी की तड़प पत्थर दिल को भुला गया, लेकिन सिस्टम नहीं पिघला। न डॉक्टर मिले न इलाज, और लड़की के पिता पवन गुप्ता दम तोड़ गए। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री जी खुद निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन सामने ही दहलीज पर मरीज ने दम तोड़ दिया। बेटी चीखती रह गई और मंत्री जी आंकड़े गिनवाने की शर्म की हद पार कर गए। स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है, उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी जल्दी ठीक हों, जल्दी जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। झारखंड में अकेले एक दिन में 2800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। रांची में 1000 से ज्यादा मामले सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो।